मैदान का शायद ही कोई कोना बचा हो, शायद ही ऐसा कोई शॉट जो डिविलियर्स ना खेल पाए। हम बात कर रहे हैं सुपरमैन क्रिकेटर एबी डिविलियर्स की। जब तक वो मैदान पर होते, जब तक वो क्रीज पर होते, तब तक हार दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। लेकिन जो खबर आई वो आज उनके तमाम फैंस को निराश करने वाली आई है। डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया है, इस पर हम लोगों की राय जानते हैं, वो क्या सोचते हैं। डिविलियर्स का संन्यास लेना क्या ये सही वक्त था या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं था। बहुत अच्छा खेलता है, आगे भी बहुत अच्छा खेल सकता है। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि फिट नहीं है, और वो उस टाइम पे जो फिट प्लेयर्स हैं उनमें से एक है, तो ये शुड बी प्लेइंग। अभी और खेल बाकी था उनमें, ऐसा लगता है? बिल्कुल बाकी था। वो ऑलराउंडर, मतलब ट्रमेंडस बैट्समैन, एनी वेयर ही कैन प्ले। एंड हाँ जी, एज नए हम जैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी सीख है, वो खेल सकते हो अभी आगे। उनकी कोई पारी आपको याद हो या कोई उनकी बैटिंग ऐसी कोई जो आप बता सकें, या जब वो मैदान पर होते तब आपको कैसा लगता था उन्हें खेलते हुए देखना? जी सच बताएं तो अगर बैंगलोर्स को देखते हैं हम लोग, तो उसमें कोहली और डिविलियर्स की वजह से ही देखते हैं, क्योंकि डिविलियर्स अपने आप में आइडल है। आफ्टर अगर इंडियन क्रिकेट को छोड़ के बाहर किसी को देखते हैं तो डिविलियर्स की वजह से, और साउथ अफ्रीका को देखते हैं हम लोग, तो बहुत बड़े प्लेयर है वो। नहीं भाई, डिविलियर्स को अभी नहीं लेना चाहिए था रिटायरमेंट, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और ऑलराउंडर प्लेयर है साउथ अफ्रीका का। और बेंगलोर का मैच भी हम, बेंगलोर को भी हम इसीलिए कोहली और डिविलियर्स की वजह से ही हम बेंगलोर का मैच देखते हैं, तो उसको अभी नहीं लेना चाहिए था। तो मतलब मेरे ख्याल से तो आरसीबी के लिए भी बहुत ही एक ड्रॉबैक है डिविलियर्स से ही। आरसीबी मतलब ऑलमोस्ट 60-70% रन जो है वो आरसीबी के डिविलियर्स ही बनाता है, तो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा मतलब शौक है मेरे लिए तो, क्योंकि अभी हम खेलने आए थे, हमें पता भी नहीं कि डिविलियर्स ने वो ले लिया रिटायरमेंट, तो मतलब नहीं, बड़ी बात है, नहीं लेना चाहिए था इस टाइम उसे। तो मायूसी हुई है सुनकर कि डिविलियर्स ने रिटायरमेंट? हाँ हाँ, मतलब आरसीबी, आई डोंट लाइक आरसीबी, लेकिन उसके जो भी मैच होता है आरसीबी की बैटिंग में, सिर्फ डिविलियर्स की बैटिंग के लिए मैं मैच देखता हूँ। तो की कोई पारी याद हो या कोई बैटिंग उनकी याद हो? अभी लेटेस्ट मैं घर पे, मतलब अभी घर पे देख के आ रहा था उसके शॉट्स, जो लास्ट उसकी इनिंग्स थी 90 रन उसने 36 बॉल्स पे बनाए थे, तो वर्सेस दिल्ली बैंगलोर में, तो वो इनिंग्स मुझे अभी मतलब बहुत अच्छी लगी उसकी लास्ट। और मतलब अच्छी बात नहीं है वैसे तो, उसे नहीं लेना चाहिए था इस टाइम से। एक एरा का समाप्त हो गया है, क्योंकि एक 360 प्लेयर था जो अभी शायद अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से उनने संन्यास लिया है, क्लब क्रिकेट या आईपीएल से अभी हम कंफर्म नहीं है कि उनने लिया, लेकिन हाँ निराशा जरूर हुई कि उनने संन्यास लिया। कैसा लगता था जब डिविलियर्स मैदान पर होते थे, खेलते थे, कुछ याद हो आपको? हाँ जी याद है, अभी लास्ट यही मैच याद है जब उनने जिताया था दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ, करीब 83 रन मारे थे उनने 39 बॉल पे, एक अकेले उनने पूरा मैच अपने दम पर जिता लिया था। और 360 प्लेयर हैं, कहीं भी शॉट मार सकते हैं, किसी भी गेंदबाज को मार सकते हैं, कोई मैच अपने दम पर जिता सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के वो सचिन तेंदुलकर हैं, क्या आप भी मानते हैं? जी सचिन तेंदुलकर मान सकते हैं अब साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक पूरा एक एरा का पूरा समाप्त हो गया है, और ये होता ही है, अब कोई नया आएगा, पुराना जाएगा, नया आएगा। थैंक यू। रिटायरमेंट ले लिए एबी डिविलियर्स ने कभी? आज? अरे यार सही में बात कर रहे थे यार हम सारे फॉर्मेट्स, टेस्ट से भी ले लिया फॉर्म भाई यार, मेरे पास सर वो कितना खतरनाक प्लेयर था, मतलब सबसे फेवरेट वाला साउथ अफ्रीका टीम से। क्या झटका है साउथ अफ्रीका के लिए तो झटका नहीं है, उनके पास और भी बेहतरीन प्लेयर थे, पर मेरे लिए झटका है क्योंकि मेरा बेहतरीन प्लेयर था ना, फेवरेट प्लेयर था। कोई आखिरी कोई उनकी पारी याद हुआ? सर उनका सबसे बेहतरीन शॉट जो रिवर्स में मतलब थर्ड मैन की तरफ मारते थे, वो खतरनाक वाला फास्ट बॉलिंग में, मतलब वैसा शॉट और कोई नहीं मार सकता जो उन्होंने मार रहा है, खतरनाक। सर अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन जब आपने इनसे बात किया तब पता चल गया मेरे को विश्वास नहीं था वैसे कि वो संन्यास ले सकते थे जल्दी। मायूसी हुई डिविलियर्स सब नहीं खेलेंगे किसी फॉर्मेट में, नहीं दिखेंगे आप? तो सर बहुत बेकार लग गया, बैंगलोर में सिर्फ एक ही प्लेयर देखना चाहता था मैं, वो डिविलियर्स को ही। अब वो जब वो खेलते थे तो मैं उनके सारे मैचेस देखता था डिविलियर्स जब खेलते थे आईपीएल में, लेकिन अब बहुत बेकार। सर खासियत तो सबकी अलग ही होती है, उनके भी बहुत अलग थी, पर और लोगों के से बहुत ज़्यादा अलग थी, ये था उसमें। विराट कोहली भी है तो वो तो क्लासिक शॉट खेलते, तो और एक उनका है
सारे रूल तोड़ के खेलते बस वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है इंडिया में जो रूल तोड़ के खेले, तो हमें इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है डिविलियर्स। बहुत बेकार लगा, बहुत बढ़िया प्लेयर था डिविलियर्स, बहुत अच्छा प्लेयर था, 360 डिग्री प्लेयर था, कहीं मार देता ग्राउंड में, बहुत अच्छा खेलता था। ही सच अ डेंजरस बैट्समैन एंड इट इज़ अ लॉस फॉर साउथ अफ्रीका। IPL में भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, सुपरमैन कैच पकड़ा था अभी हाल ही में, कितना अच्छा कैच पकड़ा था उसने, बेंगलोर को उसने इतने अच्छे मैचेस जिताए हैं अभी, बहुत अच्छा रहा। ने डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया, इसमें बहुत बड़ा दुख हुआ, एक इसको वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत बड़ा लॉस इसके ना होने से, क्योंकि डिविलियर्स जब से हम मतलब हमने क्रिकेट देना शुरू किया है तो डिविलियर्स को काफ़ी खेलते हुए देखा हम लोगों ने, और उससे जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई है उसको उसकी परफॉर्मेंस को देख के। इवन कि आप IPL को देख लीजिए या इंडियन क्रिकेट में कोई भी लीग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे तो जैसे डिविलियर्स आता, तो जैसे इंडियंस प्लेयर हैं जैसे विराट कोहली हैं, अपने वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर, उनके जैसे ही उनके लिए क्रेज़ रहता है ऑडियंस का जितना भी रहता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन एंड उसको वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत बड़ा लॉस हुआ है डिविलियर्स के जाने से। डिविलियर्स अब भले ही मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनका नाम ही उन तमाम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट में रुचि रखते हैं, और एक बार फिर से उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करेगा कि वो खुद में AB डिविलियर्स को पैदा करें। सहयोगी अरुण के साथ अनुपम प्रसून, NMF न्यूज़, दिल्ली।